2017 से लेकर 22 तक में कारोबार समझ लीजिए 75% तो कारोबार खत्म हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक की चुनावी कवरेज में हम आज पहुंचे हैं कानपुर के जाजमऊ इलाके में। जाजमऊ कानपुर का वो इलाका है जहां पर सैकड़ों की तादाद में टैनरीज हैं। टैनरीज में जो लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, उन्हें टैन करने का काम किया जाता है। उसके बाद से वो टैन जो लेदर होता है वो यहाँ से दूसरी लेदर इंडस्ट्रीज में जाता है। जूते बनते हैं, जैकेट बनते हैं, तमाम चीज़ें बनती हैं। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में पॉलिसीज़ ने, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही हैं और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कुछ मैंडेट रहे हैं, ऑर्डर रहे हैं, उनकी वजह से इस इंडस्ट्री ने काफ़ी सफ़र किया है। कुंभ के टाइम भी काफ़ी दिनों तक टैनरीज बंद रखी गई थी, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऑर्डर्स ऐसे आते रहे कि जिसकी वजह से इनका काम बहुत इम्पैक्ट हुआ है। हम बात करेंगे कुछ टैनरी ओनर से और यहाँ पर काम करने वाले लोगों से कि उनको उनका क्या सोचना है, कैसे देखते हैं वो ये जो पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ उनकी लाइफ में और क्या परिवर्तन चाहते हैं वो सरकार से। देखिए, ये लेदर जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है और जब इसकी कहानी शुरू होती है, किसान एक जब जानवर पालता है दूध के लिए, वो वहां से रिटायर होता है तो फिर स्लॉटर हाउस में जाता है और स्लॉटर हाउस का बाय प्रोडक्ट एक ये लेदर सेक्टर है। और अगर हम लोग तो इसको लेदर को ट्रेंड करके विदेशी मुद्रा लाते हैं, और दूसरी बात हम ये जो लेदर है डिफेंस मटेरियल भी है, क्योंकि हमारे बहादुर फौजी जब मोर्चे पे जाते हैं तो चमड़े का जूता पहनते हैं और बगैर उसके कोई फौज लड़ नहीं थी। ये डिफेंस मटेरियल है लेदर, तो इसलिए सरकार को इस पे और ध्यान देना चाहिए था कि एक डिफेंस सेक्टर में भी है प्रोडक्ट है ये लेदर। और हम लोग फॉरेन करेंसी भी अर्न करते हैं, टॉप 10 जो सेक्टर है जो उसके फॉरेन करेंसी अर्निंग उसमें भी लेदर सेक्टर आता है। घर क्या काम इतना जो है डाउन चल रहा है, मतलब महीने में 15-16 दिन ड्यूटी मिलती है, इसलिए जो है बच्चे भी कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है वो भी मजदूरी कभी कभी कर लेते हैं जब बीच बीच में। लेदर इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों बहुत बुरी स्थितियों से चल रही है, बहुत सारी मुश्किलों को फेस करते हुए चली आ रही है, और तमाम दिक्कतों के बाद हम कहीं ना कहीं एक बस ये उद्योग बस एक नई आस पे इंतज़ार में बस चल रहा है कि शायद अब कोई सुविधाएं सरकार की या शासन की तरफ से हमको मिले ताकि हमारा उद्योग सुचारू रूप से संचालित हो सके। हमारी 30 साइट की हमको NOC मिली हुई है, हम उस 30 साइट का काम करते हैं, हमारा छोटा यूनिट है। कानपुर में 412 टिंडियां थी जो घट के अब 259 रह गई हैं जी। उन्नाव और बंतर मिलाकर भी 70 टिंडियां होंगी वहां पे, ऑलमोस्ट ये 500 का फिगर है और था जो काफी घट चुका है। दिन ब दिन टिंडियां बंद होती जा रही हैं जी। हैदराबाद से क्या काम करते हैं? चमड़े का क्या काम? कटिंग। हैदर जी, क्या स्थिति है अभी, कितना टैनरी कैसे चल पा रही है और कितना फर्क पड़ा है, अच्छा हुआ है खराब हुआ है? कहा अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ। हम लोग अब 20 दिन से बैठे हुए थे, 800-250 रुपये काम किए। तो 20 दिन से काम नहीं, तब इतने 20 दिन तक क्या कर रहे थे आप? घर पे थे। कहीं और भी आपने काम ढूंढने की कोशिश की? कहीं काम ही नहीं, सारे जाजमऊ एरिया में। जाजमऊ में वहाँ तक वाजिदपुर तक ढूंढा, कहीं नहीं। रोज घर से निकलते थे काम ढूंढने के लिए? रोज आते थे। कितनी देर के लिए निकलते थे? 12 बजे फिर लौट जाते थे घर। 12 बजे लौट जाते थे। हमको एक दिन का 300 रुपये। जी। पहले कितना कमा लेते थे? पहले साहब तो बहुत कमा लेते थे, करीब नहीं तो महीने में 14-15 हज़ार रुपये कमा लेते थे। क्योंकि अब इस समय नहीं कमा पाते हैं। इस समय कितना कमा लेते हैं? इस समय वही कमा लेते 7-8 हज़ार रुपये बन जाता है। ये देखिए, हम लोगों के टैनिंग ड्रम्स हैं जी, तो इसको जितने थे हमारे यहाँ उसको 50% कैपेसिटी कर दी गई हमारी, और ये देखिए सील लगा दी गई है। अच्छा। जो पिछले 2-3 साल से 4 साल से ये सील लगी हुई है, तो अब हम लोग प्रोडक्शन अपना पूरा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सब सील है ड्रम 50%। पिट्स से जो थे वो भी बंद कर दिए गए, वो भी डिसमेंटल कर दिए गए। अब उसके बाद हम लोगों को परमिशन दी है सिर्फ 15 दिन
इंडस्ट्री ऑपरेट करने की, इस तरह के 25% पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें हमेशा हमारे ऊपर इस उद्योग के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि प्रदूषित पानी जो है बहा रही है, प्रदूषित पानी बहा जा रही है। इसकी हकीकत क्या है? अब कहीं ना कहीं ये ऐड होता है, ये मीडिया में चलाया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। तमाम मंचों पे हम लोग अपने बात को रखते हैं, इसका विरोध करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के थ्रू ये बात कही जाती है तो ये एक टैग लग गया है कि लेदर उद्योग जो है गंगा को मैला कर रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। किसी भी लेदर इंडस्ट्री का पानी डायरेक्ट गंगा में, गंगा या नदी या तालाब में जाने का कहीं कोई रास्ता, कोई विकल्प है ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। अगर कोई उद्योग चाह ले कि उसके उद्योग का पानी जो है डायरेक्ट गंगा में चला जाए, जा नहीं सकता है, क्योंकि एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे उद्योग का पानी जल निगम के चैनल माध्यम से कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर जाता है, वहाँ पर उसका शोधन करने के बाद उसको सिंचाई एवं नदी में दिया जाता है। जब सिंचाई का वक्त होता है तो खेतों में जाता है, और जब नहीं होता है तो गंगा में आता है आफ्टर ट्रीटमेंट। देखा जाए तो सही तरीके से जो आज की स्थिति है और उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इस समय सरकार की विलंबना जो चल रही है, उस हिसाब से तो आगे आने वाले समय में ये टेंडियों का कार्य कानपुर से में जो जाजमऊ बसा हुआ है, जो जाजमऊ में टेंडियों काम हो रहा है, ये हमको लगता है समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब 100% काम था तो आदमी खुद मशक्कत करके लग करके लेबरों के साथ में काम करके जब उसको पूरा नहीं कर पाता था, तो आज 25% काम हो गया है और सरकार की विडंबना है कि काम 25% है और जो जल निगम जो वसूली करता है वो 100% की आज भी वसूली कर रहा है। तो एक तो काम नहीं है और सरकार की तरफ से खर्चे बराबर उतने ही लिए जा रहे हैं जितने 100% का काम होता था। एक तो विलंबना यह है, इसलिए यहाँ से नाबूद हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बिल में कोई सुधार नहीं है बिजली के बिलों में, क्योंकि बिजली के बिलों में काम 25% है, बिजली बिल जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं, उससे भी व्यवसायिक जो है बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। एक तो पिछले 4-5 साल से पॉल्यूशन का मसला चल रहा है, टिंडिया सरकार बंद करती है खोलती है तो इससे कॉन्फिडेंस हमारा जो है कम होता है बायर के ऊपर। जब बायर का कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो ऑर्डर देना कम करता है, और जब ऑर्डर नहीं आते हैं तो फैक्ट्री का सर्वाइवल नहीं होता है जी। कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया, कुछ ने खुद को बंद कर लिया, जिनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा था। सर बहुत सी दिक्कतें हैं घर में, बच्चे उनको सही से पढ़ा नहीं पाते, बच्चा मेरा पढ़ता भी है काम भी करता है, इसलिए जो है काम पे उसको लगा दिया है, घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं। बीवी है तो दुकान छोटी से खोले, मसाला सारा बेचती है। अच्छा, जल निगम पूरा पैसा ले रहा है 300 दिन का, हाँ। और 18 रुपए हाइट, इस तरह हम लोगों को करीब 75 रुपए हाइट हम लोगों को देना पड़ रहा है सिर्फ जल निगम को अपना प्रोसेस करने का। अब जल निगम के अंतर्गत जो है CTP संचालित किया जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है, जो रख रखाव पे जो खर्च आता है वो चमड़ा उद्योग जो है उसको पे करता है, महीने का बिल आता है, कैपेसिटी के आधार पे सबकी बिलिंग होती है, सब पे करते हैं। अब जल निगम उस प्लांट को सही से संचालित नहीं करता है, जो समस्या आती है, दिक्कत आती है, या कुछ भी अगर होता है, जो होता है वहां से होता है, तो उसकी सजा या उसका इल्जाम उद्योग पे लगाया जाता है, ये बहुत गलत, ये हमारे साथ ज्यादती की जाती है। लेबर सब अपना अपना पलायन कर चुकी है यहाँ से, क्योंकि जब उसको खाने को पैसा नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आदमी कितने दिन तक बैठा रहेगा यहाँ पे, कारोबार होगा नहीं, इसलिए काम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आगे आने वाले समय भविष्य में क्या क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। कुछ जो नाले हैं शहर के, जो इन्होंने चोरी छुपे मिला दिए इस प्लांट में, ये पानी वहां से आता है, एक्सेस इंडस्ट्री का पानी इतना नहीं है जितना ये लोग कह रहे हैं। अब ये क्या कि जब खर्चा नहीं चला पाते फैक्ट्री से एडवांस लेते तो कटा नहीं पाते हैं, वो एडवांस बने ही रहता, फिर दोबारा लेने की जरूरत पड़ जाती है। जी इस समय है साहब 12,000 रुपए तक। ये पिछले 10 साल से जब कुंभ मेला हुआ था तो आजम खां को बनाया गया था इसका इंचार्ज कुंभ मेला का,
तो उनको कुछ दिखाई नहीं दिया और इन्हें सिर्फ ट्रेंडीज को टारगेट करके हम लोगों पे सख्ती, और वो जब से हम लोगों का उत्पीड़न शुरू हुआ आज तक उत्पीड़न करता होता चला रहा है। हाँ ये जरूर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम में रखा लेदर सेक्टर को, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा, लेकिन और इसलिए कि तरक्की हो, लेकिन क्योंकि जवाबदेही नहीं तय थी उनको, उन्होंने फंड भी एलोकेट किया लेकिन किसी की जवाबदेही नहीं तय की कि हमको हर साल इंक्रीमेंट हो इस इंडस्ट्री में, ये कमी रही। अब हम लोगों की ये मांग रहती है कि कोई भी उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई भी स्कीम आए तो अफसरान की जवाबदेही तय होना चाहिए। जहाँ पर प्रदेश में व्यापार पूरी तरीके से चरमरा चुका है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है, तमाम उद्योग जो है बंदी के कगार पे हैं, बंद हो चुके हैं, ऐसे में ये चमड़ा उद्योग जो आज 100 साल से पुराना उद्योग है, जिसका जो है एक्सपोर्ट निर्यात करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास था, एग्जैक्ट डाटा नहीं मैं नियर अबाउट में बता रहा हूँ, और करीब 17-18 हज़ार करोड़ का डोमेस्टिक व्यापार था, और आज भी ये उद्योग इस बुरी स्थिति में जहाँ पे बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार चाहिए, बेरोजगार बहुत टहल रहे युवा हमारे, उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति में ये एक उद्योग है जो रोजगार भी दे सकता है, जो बहुत अच्छे तादाद में क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होगा, टैक्स पहुँचेगा, और उसका ये सब कुछ होने के बाद हम प्रदेश की भी समस्या का समाधान एक सहयोग कर रहे हैं, उनकी जो समस्या है रोजगार देने की हम उसमें सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हम उसको टैक्स देने का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे उद्योग को अपनी क्षमता से 50% चलाने की आज्ञा दी जा रही है, उसके बाद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो स्थापित थे उसको डिसमेंटल किया गया, 50% हमारी मशीनरी को तोड़ करके हटा दिया गया, इस शर्त पे हमारी फैक्ट्री को चालू किया गया, उसके बाद भी हमारे उद्योग को 15 दिन चलाने की इजाज़त दी जा रही है। ये आप समझ लीजिए 2018 से इस पर पहले से भी आती थी दिक्कतें आती थी, मगर इतनी दिक्कतें नहीं आती थी, मगर ये 18 के बाद से इतनी दिक्कतें एकदम से टेंडियों पे बोझ लाद दिया गया कि वो टेंडियाँ, एक तो चलो बोझ लाद दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतने काम तो करने दिया जाए, मगर एक गंगा जी का एक सहारा लेकर के, गंगा मैया का सहारा लेकर के, इनका ब्लेम ये है कि सारे कारखानों का पानी गंगा जी में जाता है, जबकि हम इस जाजमो की धरती में खड़े होकर हम इस बात का चैलेंज कर सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं गंगा जी में पानी जाता है वो हमारे साथ आएँ और चल करके उनको हम दिखाएं कि किस जगह से गंगा जी का पानी गंदा हो रहा है और कहाँ से पानी जा रहा है। इसमें किसी को सही बात का ज्ञान नहीं है और ना ही उनको सही जानकारी मिल पाती है, जो जिन्होंने जो कह दिया उस पर उन्होंने अमल किया और गाज गिरा देते हैं टेंडी वालों के कारखानों पर। बंगाल गवर्नमेंट में जो हमारी जानकारी में है जो रेट जगह दिया है वो 2865 रुपए मीटर जगह विद प्लांट बना करके और रोड सड़क बिजली पानी की जो व्यवस्था है एक इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर होना चाहिए था वो फैसिलिटी दे के दे रहे हैं जी। बांग्लादेश बड़े लोग गए हैं, हम लोग जैसे मिडिल क्लास के लोग तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जिनका 200 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट है उनमें कई लोग बांग्लादेश भी गए हैं, वो क्या फैसिलिटी दे रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है जी। आए दिन जो भी होता है कारखानों पर ही मर दी जाती है चमड़े कारखानों पर, इसलिए वो उत्साहित नहीं है, वो निराश हो चुके हैं और वो काम को दिन पर दिन डाउन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार का पैसा जिन्होंने लिया है वो अच्छे मन से लिया है और वो उसका पैसा वापस करना चाहते हैं, परंतु जब काम नहीं होगा तो पैसा मरेगा और जब नहीं दे पाएंगे तो आदमी खुदकुशी कर जाएगा, जबकि बहुत से लोग कर चुके हैं और बहुत से लोगों जब काम नहीं मिला तो लोग घर के खाना पूरा न करने में लोगों ने खुदकुशी कर ली, लेबरों ने खुदकुशी कर ली, लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं 80% आदमी। बच्चे के अभी हमने जो है एक बार BSc कर रहा था 2000 तो एक बार 5000 भर दिया था, लेकिन हमारी बेटी है 10 साल की है उसको हमने पढ़ा नहीं पाया, तो आज पिछले साल से हमने एडमिशन ही नहीं करवाया है क्योंकि उतना कमाई नहीं पा रहे जो मतलब एडमिशन करा दें, एडमिशन करवा लेंगे फीस कहाँ देंगे, तो वहाँ से भी शिकायत आना शुरू हुई है। नहीं साहब इन साल नहीं पढ़ाए हैं, कक्षा 4 तक पढ़ाई के बाद बंद कर दिए हैं।
साहब सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचते, लेकिन जब हमारा काम काम नहीं चल रहा है, अब पढ़ लिख जाइए तो नहीं तो कुछ तो कुछ करीबे करिए, नौकरी प्राइवेट नहीं, मतलब प्राइवेट तो कर ही सकती है, नहीं सरकारी कर सकती तो। देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ सदियों जात हैं, यहाँ अगर कोई कहे कि नहीं ये हमारा है तो ये तो चीज़ गलत है। यहाँ सतियों जात है, सतियों भाई सभी भाई बहन हैं, यहाँ पर सबका जो है एक मेल है, जबकि ये जहाँ पे जिस धरती पे जाजमऊ में आप खड़े हैं, यहाँ पर कई दंगे देश में हुए मगर जाजमऊ का नाम कभी भी दंगे में नहीं आया, जबकि यहाँ पर इस समय 90% हमारा अल्पसंख्यक भाई है और 10% हमारा जो है हिंदू भाई है, और किसी टाइम में 90% यहाँ हिंदू भाई था, 10% यहाँ अल्पसंख्यक भाई था, तब भी कुछ नहीं हुआ, और जबकि ये 90% अल्पसंख्यक भाई हो गए और 10% हिंदू हैं तो आज भी कुछ नहीं हुआ, तो ये हम कैसे मान लें कि हिंदू मुसलमान का कोई वो है। अब ये राजनीति है, लोग राजनीति में अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो हिंदू हिंदू कर करके और मुसलमान मुसलमान करके उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए ना रोका जा सकता है, अब ये जनता ही उनको रोक सकती है कि ये बात क्यों कहते हो मत कहो, मगर जाजमऊ में इसका कोई असर नहीं है, कानपुर में कोई ऐसा असर इसका नहीं है। ये इस गवर्नमेंट में भी एक साल तक लगातार बंद रही, किस समय ये योगी जी की जब से हमारे इनकी जब स्टार्ट हुई थी आज से 5 साल पहले, साल भर बंद रही, फिर हम जाके खुद मिले थे। क्या कारण था बंद करवाने का? भाई वो यही आता था ट्रीटमेंट प्लांट का, जबकि सच्चाई ये है कि जाजमऊ का जो ट्रीटमेंट प्लांट जो बना है 94 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 175 टेंडीज के लिए बना था नॉयमेल्टी का, फिर सर ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जल निगम ने के गठजोड़ से इसमें और भी 227 टेंडियों को जोड़ दिया गया और उनसे पैसा भी लिया गया और ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन नहीं हुआ। टेंडी उद्योग पे तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की टेंडियां हैं, ठीक है मुसलमानों की टेंडियां, इसमें कोई गलत बात नहीं वो कह रहे हैं, 90% मुसलमान भाइयों की यहाँ पर टेंडियां हैं, परंतु उनसे जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान की टेंडियां है इसलिए इस पर आपत्ति आ रही है, तो उनसे ये पूछा जाए कि जो टेंडी में वर्कर हैं, जो यहाँ स्टाफ है, जो यहाँ का काम करने वाला आदमी है, जो यहाँ का सप्लायर है, केमिकल सप्लायर हो या चमड़ा का सप्लायर हो, वो तो टोटल हिंदू है, वो तो 100% है, जब चमड़ा तैयार होता है तो हिंदू भाई भी खरीदता है, तो जब टोटल काम ये हिंदुओं के हाथ में है तो हम कैसे मान लें कि ये मुसलमान इस पे हावी है और मुसलमान के नाम पे इसको डैमेज कर दिया जाए, और जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस उद्योग से आप ये समझ लीजिए कि करीब 10 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट करीब 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और आज जो सरकार ने या जो डिपार्टमेंट्स ने जो हमारे उद्योग को किया है कि 100% कार्य को घटा करके 25% पे कर दिया है, तो आप सीधा सिंपली समझ लीजिए कि अगर एक छोटा उद्योग है, अगर उसके यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे थे तो 3 वर्कर के लायक हमारी उद्योग की क्षमता ही दी हुई है, तो हम 10 कहाँ से रखेंगे। आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि 2 लाख अगर लोग जुड़े हुए थे तो आज 50,000 काम कर रहे हैं। 14 मकर संक्रांति की जब भी तिथि आती है उसके 3-4 दिन पहले से टेंडियां बंद कर दी जाती हैं और उसको पार्ट पार्ट में, जब जैसे माघ पूर्णिमा हुई और आपके जो जो पर्व बीच बीच में आते रहते हैं, बसंत पंचमी हुई या शिवरात्रि हुई, उसके 3 दिन पहले ये लोग कारखाना को लिखित में आदेश में बंद करा देते हैं और बंद कराने के बाद में फिर 3-3 दिन चालू रखते हैं। तो जैसे कि इस समय अब्तिबाद 6 पर्व में 24 दिन कारखाने बंद हो गए, जनवरी 11 जनवरी से लेकर के आपके 1 मार्च तक। आज हमारे पास 50-70 आदमी है 200 की जगह पे, इसलिए कि मेरे पास काम ही नहीं है तो हम लेबर कब तक रखेंगे। रही बात रोजगार की, तो हमारी लेदर इंडस्ट्री जो जाजमऊ उन्नाव की डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 लाख लोगों को रोजगार देती थी और इसका जो एक्सपोर्ट था वो 8,000 करोड़ एक्सपोर्ट था जो, और 40,000 करोड़ डोमेस्टिक था,
जो एक्सपोर्ट जो है 8000 से घट करके 5500 करोड़ रुपया रह गया, डोमेस्टिक 20000 करोड़ रहा है। तो जब सेल घटेगी तो मैन पावर कम लगेगा जी, जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होगा तो वर्कर को कब तक कोई रखेगा। इसमें घाटा तो इसमें देख रहे हैं आप, खुद ही प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि एक भी लेबर नहीं है, एक भी रुपए का भी काम नहीं है, और बिजली का बिल मिनिमम चार्ज हमको देना ही देना है, उसको महीना लगता नहीं आ जाता है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि ये जो विडम्बना जो 15 दिन का जो रोस्टर जो चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, कारोबार को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे कि 0.5 चले और जो कारखाने बैंकों से पैसा लिए हुए हैं वो काम करें, बैंक का पैसा वापस करें, जिससे कि सरकार मजबूत हो, देश मजबूत हो, कि जो ट्रीटमेंट प्लान बन रहा है इसको जल्दी से, इसमें प्रधानमंत्री जी साहब आए थे कानपुर, ये उद्घाटन कर गए थे, मगर उनको भी 3 साल हो गए हैं उद्घाटन किए हुए, मगर अभी वो ट्रीटमेंट प्लान बन नहीं पाया है। ये भी एक बहुत दुर्भाग्य का समय है, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट बन के चालू हो जाना चाहिए, जिससे कि जो बहाना है कि गंगा जी में पानी जाता है वो एक बहाना ख़त्म हो जाए और कारखाने अच्छी तरह से सुचारू रूप से जैसे पहले संपन्न थे वैसे संपन्न हो चलें, और वहाँ के लेबरों के बच्चों के पेट की रोटियाँ मिलें, पढ़ाई में योगदान दें। तो कितना कानपुर की लेदर उद्योग को कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा। अब आपसे बता तो रहे 25% काम रह गया हम लोगों का। नए नए जो मुल्क हैं छोटे छोटे जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ इंडिया में जो शू फैक्ट्रीज हैं वो वहां से लेदर फिनिश लेदर उनके यहाँ इम्पोर्ट कर रही हैं बांग्लादेश से। अब जब हम बायर से बात करते हैं माल को देने के लिए सप्लाई के लिए, तो वो ये कहता है कि तुम्हारे उद्योग की सरकार से जो है बन नहीं रही है, पहले उस अपने जो है समस्या का समाधान करो, क्योंकि तुम सक्षम नहीं हो हमें वक्त पे मेरे माल की सप्लाई करने के लिए। गंगा जी में टेंडी मालकान पानी चाहते हुए भी नहीं जा सकता है। इस बात को अगर जो लोग कह रहे हैं कि गंगा जी में टेंडियों पानी जा रहा है, उनसे हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि वो थोड़ा सा टाइम देके जाजमऊ में आए और साथ में चल करके वो बताएं या देखें, हम बताएं कि कहाँ से पानी जा रहा है, कहाँ से टेंडी का पानी गंगा जी में जा रहा है। सिर्फ टेंडी मालकानों को टेंडी के काम को बदनाम करने के लिए जो इस तरीके की मनधारणा घर में बैठ करके गणना कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार की बात है और बहुत गलत बात है। और वो हम तो उनको ये कहेंगे जो कारोबार में झूठे ब्लेम लगा रहे हैं वो बहुत दिमाग के आदमी है, उनको क्या कहा जाए उनके लिए शब्द नहीं। क्या कभी ये बात मंत्री परिषद ये मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की, कोई मीटिंग में? कई बार भेजा है, सेली एक प्लेटफॉर्म ही है कि इंडस्ट्री की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, तो वो जो काम सेली का वो कर रहा है। कुछ रिस्पांस मिला? होपफुली आगे फ्यूचर में मिलेगा, अभी तक तो कोशिश की जा रही है। पिछले 3-4 सालों से दिक्कतें लगातार कुछ ना कुछ नई नई दिक्कतें आती ही रह रही हैं, हर बार आती रह रही हैं, और वजह सिर्फ एक रहती है कि गलती किसी और की सजा इस उद्योग को दी जा रही है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और आने वाली गवर्नमेंट जो भी हो हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये उद्योग बहुत पुराना है, दुनिया में नाम है, देश में नहीं दुनिया में नाम है। सिर्फ एक गलत इल्ज़ाम लगा करके जो कि वो साबित भी नहीं है, और एक सरकारी संस्था जो है जो जल निगम है उसकी गलती खामियों की सजा उस उद्योग को ना दें, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस टेंडी में जिस कारखाने में अगर 10 मुसलमान हैं तो 80 अगर हिंदू काम कर रहा है तो वहाँ नुकसान किसका है? हिंदू का नुकसान है ना कि मुसलमान का? तो उनसे ये अच्छे स्वच्छ दिमाग से उनसे पूछा जाए कि भाई ये चीज़ क्यों उठाते हो कि मुसलमान की टेंडी होने के नाते वो डैमेज हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है, जो ऐसी हवा फैला रहे हैं वो देशद्रोही हैं।